हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज है जी 10.2। आज का टॉपिक है फैक्टर। स्टूडेंट सभी अपना पेज नंबर, अपनी बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 73। सभी अपना पेज नंबर 71 ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फैक्टर लिखा हुआ है, नीचे लास्ट में फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले आज फैक्टर समझेंगे कि फैक्टर होता क्या है। व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवाइजर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड। स्टूडेंट जब हम किसी नंबर को, किसी दिए हुए नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो दूसरा नंबर आपके जो डिवाइडेंड होता है उसे पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो वह उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए अगर आपको 20 दिया, 20 एक नंबर है और अदर नंबर है 2, दूसरा नंबर 2 है। अब जब ये अदर नंबर इस पहले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। 2 बन जा 2, 2 में से 2 माइनस कर दिए 0, ब्रिंग डाउन कर लिया 1, ओह सॉरी 0, और 0 पे टीबी अप्लाई नहीं होता तो आंसर में ऐड कर देंगे 0। तो ये जो 20 नंबर है ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना 10 बार, देखो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो अब ये जो 2 है ये फैक्टर है 20 का, ठीक है जी। जो 2 है वो 20 का फैक्टर है ना। और हमारी डेफिनेशन भी यही थी, परिभाषा, व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, पूर्ण रूप से है ना, देन द डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर। जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर कहलाता है। डिवाइजर क्या होता है हमारा, ये 2 हमारा डिवाइजर है भाई, है ना, इससे तो हम डिवाइड कर रहे हैं। जिस डिजिट से आप डिवाइड करते हैं वही डिवाइजर कहलाता है, जिस डिजिट को डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड कहलाता है, और जो यहाँ पे शेष बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है, और जो आंसर आता है वो कोशेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो आप अगर समझ सकते हैं, अगर कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन है और जो अगर उसका कोई भी डिवाइजर है और उस अपने डिवाइजर से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, तो वो डिवाइजर उस नंबर का फैक्टर कहलाता है, यानी कि हिंदी में कहें तो गुणनखंड कहलाता है ना। तो स्टूडेंट आप सभी फैक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी का फैक्टर निकालना है, भाई किसी ने पूछ लिया इज 90 इज ए फैक्टर ऑफ 9, है ना, कि क्या 99 का फैक्टर है ना, तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 90 को 9 से, तो आंसर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे फैक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए कि फैक्टर होता क्या है, कि फैक्टर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, है ना, जिससे हम फैक्टर को पहचान सकें, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्टर, एवरी नॉन जीरो नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। एवरी नॉन जीरो नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 15 दिया हुआ है ना, अगर ये जीरो नहीं है तो नॉन जीरो है ना,
कोई भी नंबर है अगर वो जीरो नहीं है तो वह अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना। तो देखिए अगर आप 15 को 15 से डिवाइड करें, 15 बन जा 15, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर है वो नंबर अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब वो उसे डिवाइड कर सकता है। देखिए अगर 16 ले लिया आपने, कोई भाई अगर आप 15 को 16 से डिवाइड करने लगे तो स्टूडेंट 50 जो 15 है वो छोटा है ना, और 16 बड़ा है तो डिवाइड नहीं होने का, होने का तो नहीं। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वह नंबर खुद होता है, याद रखें। अगर आपको किसी भी डिजिट के फैक्टर निकालने हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर वह खुद संख्या होती है ना, जो वो नंबर होती है। बाकी जितने भी फैक्टर होते हैं अपने नंबर से छोटे ही होते हैं, ठीक है जी। जितने भी नंबर होते हैं वे अपने, जितने भी फैक्टर होते हैं वे अपने नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, जब भी आप आंसर, आपका आंसर आ जाए फैक्टर में तो आप इन सब जो भी आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं यानी कि जो भी विशेषता बताई गई है वे अपने आंसर पर अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो इससे आपका, इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ डेट नंबर। स्टूडेंट जो वन होता है, वो सभी नंबर का, कोई भी नंबर हो वो उनका सबसे छोटा फैक्टर होता है ना। वन एक ऐसी डिजिट है जिससे दिए हुए सभी नंबर डिवाइड होते हैं, पूर्ण रूप से डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं बचता। तो वन सब में छोटा फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, वह संख्या खुद। मान लीजिए आपको ये कहा है कि भाई 35 को दो फैक्टर लिखो, 35 को दो फैक्टर बताओ। तो स्टूडेंट एक तो वन हो गया है ना, वन सब में छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो उनका सब में छोटा फैक्टर जो होगा वो वन होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, वो यह संख्या खुद अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर होगा यानी कि 35। दो नंबर तो आपको पता चल गए है ना, एक सब में छोटा फैक्टर और एक सबसे बड़ा फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये बात क्लियर होगी यहां तक। तो अब आगे देखिए, जीरो इज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं होता है। जो जीरो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि जीरो का क्या मतलब है भाई, जीरो का मतलब है कि कोई भी संख्या नहीं है। ये 35 है, अगर हम इसके अपॉन जीरो कर दें तो अब ये 35 है, अपॉन जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी तो जीरो ही है, जहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती वहां जीरो ही होती है। ओके स्टूडेंट, तो जीरो से डिवाइड करने का मतलब है मीनिंगलेस, कुछ भी नहीं करना है ना। तो इसलिए जीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता, याद रखें। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट अगर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी डिवाइजर जिससे दिया हुआ नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, वही फैक्टर कहलाता है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो सभी डिवाइजर फैक्टर होते हैं जो अपने नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। एवरी नॉन जीरो नंबर हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ द फैक्टर। अगर कोई भी नंबर है तो उसके जो फैक्टर होते हैं वे लिमिटेड होते हैं, यानी कि सीमित संख्याएं होती है फैक्टर की, है ना। जैसे कि मान लीजिए 15 है भाई, है ना, 15 का 1 होगा पहला, फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना,
थ्री के बाद फाइव से हो जाएगा और फाइव के बाद अपने आप से होगा, है ना। तो वन टू थ्री फोर, तो फिफ्टीन के जो फैक्टर है वे फोर फैक्टर है, है ना। इसके अलावा फिफ्टीन का कोई और फैक्टर नहीं है, ना हो सकता। तो इसके जो फैक्टर है वे लिमिटेड है, है ना। अगर जो मल्टीपल होता, अगर हम फिफ्टीन का मल्टीपल निकाल रहे होते तो वे काउंटलेस होते, है ना, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड होते। ठीक है जी, मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं और फैक्टर लिमिटेड होता है। ठीक है जी, एवरी नंबर एक्सेप्ट वन और जीरो एट लीस्ट टू फैक्टर। वन और जीरो को छोड़कर, जीरो और वन को छोड़कर सभी जितने भी नंबर होते हैं सबके दो फैक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट, जितने भी नंबर होते हैं वन और जीरो को छोड़कर उन सबके टू फैक्टर होते हैं, क्योंकि जीरो का तो कोई फैक्टर होता नहीं और वन अकेला है, वन वन से डिवाइड होगा, वन के अलावा किसी और से नहीं होने का। तो इन इन दोनों को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं उनके सब टू फैक्टर होते हैं, है ना। आप जानते ही होंगे अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है जी, अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे सेवन है जी, है ये सेवन है, सेवन के दो फैक्टर होंगे, एक वन होगा और एक टू हो, एक ये स्वर्म होगा अपने आपका। ठीक है जी, एक वन और एक अपने आप, तो इसके दो फैक्टर है, तो इसलिए प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको फैक्टर समझ में आ गए। तो अगर जब भी आप आंसर लाएं तो इस बात का ध्यान रखें, जो जो फैक्टर होता है वो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, वन होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या खुद होती है। और मल्टीपल में देखें तो सबसे जो छोटा फैक्टर होता है वह संख्या खुद होती है, एकदम उल्टा, जस्ट अपोजिट, है ना, फैक्टर का। मल्टीपल में जो पहले वाली संख्या होती है वही सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी क्या होता है, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है पता नहीं, क्योंकि वे जो काउंटिंग नंबर होते हैं वे काउंटलेस होते हैं, और काउंटिंग नंबर से ही मल्टीप्लाई कर मल्टीपल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और फैक्टर में जो सबसे बड़ा जो वैध नंबर है वही सबसे बड़ा उसका फैक्टर होता है, और सब में छोटा वन होता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस को कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि जो नंबर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो नंबर फैक्टर होता है, किसका फैक्टर होता है, है ना। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, है एक नंबर फैक्टर होता है, किसका फैक्टर होता है जी, इट्सेल्फ, अपने आप का, इट, आई टी, इट, एस ई एल एफ, एस ई एल एफ, इट्सेल्फ। तो भाई प्रत्येक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, है ना। इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का फैक्टर कौन होता है ना। तो आपने अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि वन जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो इस वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर देन और इक्वल टू
टू द नंबर, तो ये भी हमें प्रॉपर्टी में दिया गया है, विशेषताओं में से दिया गया है फैक्टर की, यानी कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर यानी किसी भी नंबर का फैक्टर लेस देन एल ई डबल एस लेस देन और इक्वल टू द नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है या तो वह उससे कम होता है, लेस माने कम होता है, है या फिर उस नंबर के इक्वल होता है, इक्वल टू द नंबर यानी कि उस नंबर के बराबर होता है ना। इज नेवर फैक्टर ऑफ एनी नंबर, यह कभी किसी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होने का, तो ये भी स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हमने आपको प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई थी और फैक्टर के बारे में इसकी डेफिनेशन वगैरह समझाई थी ताकि आप अच्छे प्रकार कर सकें, याद रहे। तो जी जो जीरो है, जीरो इज नेवर ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए जीरो किसी का भी फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। ए नंबर इज बाय अनदर नंबर इफ द डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज जीरो, अगर किसी नंबर से हम दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर हमारा जीरो आता है, रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, तो वह नंबर क्या है? तो स्टूडेंट वह नंबर क्या है? फैक्टर, एफ ए सी टी ओ आर, फैक्टर। ए नंबर इज ए फैक्टर बाय अनदर नंबर इफ ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा शेषफल जीरो बचता है तो वह उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। स्टूडेंट जो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं इनके आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं, ठीक है जी। क्या बताने हैं? कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि कॉमन होता क्या है ना। अगर आपको कॉमन पता है तभी तो आप कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे, है ना। तो हम आपको इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए फोर स्टूडेंट है, सबके पास कुछ कॉइन है, हैं सिक्के हैं कुछ, तो 1K, 2K, 5K, 10K, है ना, इस तरह उनके पास कुछ सिक्के हैं, लेकिन 5 का जो कॉइन है वो सभी बच्चों के पास है ना, पहले नंबर वाले के भी, दूसरे नंबर वाले के भी, तीसरे भी और चौथे के भी, है ना, चारों के पास 5-5 का कॉइन है, और जो सिक्के हैं वे सब के किसी के पास 2 का है, किसी के पास 10 का है, किसी के पास 50 का है ना, तो इस प्रकार है। तो जो स्टूडेंट ये 5 की कॉइन है ना, ये सबके पास है, तो यही कॉमन है, ठीक है ना, यही कॉमन है, जो सबके पास होता है वही कॉमन होता है। कहने का मतलब ऐसे डिजिट जो 15 के पास भी हो और 20 के पास भी हो तो वो कॉमन कहलाए, है ना। तो स्टूडेंट हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये 15 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये देखना है 15 जो भी डिजिट आप यहाँ लिखेंगे वो आपको ये देखना है कि वो इवन है ओड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये डिजिट इवन है या ओड है। इवन ओड देखने के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं, उसे इस्तेमाल कर लीजिए, एक ट्रिक है। यहाँ ई लिखिए, ई फोर इवन आता है, और यहाँ ओ लिखिए, ओ फोर ओड होता है। अब यहाँ से शुरू कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब स्टूडेंट जो जीरो के ई के आगे आगे वे सब इवन नंबर हैं, और जो ओ के आगे आगे वे सब ओड नंबर हैं।
और कैसे पहचाने कि किसी भी डिजिट के वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी डिजिट है ना, ई के वाली है तो इवन नंबर है, ओ वाली है तो ओड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं अगर आप भूल जाएं कि भाई इवन क्या होता है ओड क्या होता है, या आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं रख सकते हैं जो टू के टेबल में आते हैं सभी इवन नंबर होते हैं, ठीक है जी, और जो बच गए वे सब ओड नंबर होते हैं। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 जिसके वंश पे ये डिजिट होगी वे ही भी नंबर होंगे, अदरवाइज सब ओड होंगे, ठीक है। अगर काउंटिंग में देखें एक इवन होता है एक ओड होता है, एक इवन होता है एक ओड होता है, एक इवन होता है एक ओड होता है, ठीक है जी। तो हमारी ये डिजिट ओड नंबर है क्योंकि इसके वंश पे 5 है और 5 ओ के आगे आया है ना, तो ये 2 से तो डिवाइड होने की नहीं, इवन नंबर इवन से होता है ओड ओड से होता है, तो हम इसे 3 से करके देखेंगे। 2 से नहीं होने के तो स्टूडेंट हम 3 से करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ के देखिए आप कितनी बार आया, या फिर स्टूडेंट आप ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं 3, 5 15, तो क्या आंसर आया 5, तो जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब ये 5 है, 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है, और 5 और जब 1 आ जाए तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन फैक्टर समाप्त हो गया, इसे ध्यान रखें। अब 2 से 20 है, 0 है वंस प्लेस पर तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट हाफ हो जाता है, जैसे 20 है तो 10 हो जाएगा, है ना। ये स्टूडेंट आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इधर कॉपी में अपनी डिवाइड कर लीजिए, है ना। आप 10 है, 10 भी हमारा क्या है ये भी हमारा इवन नंबर है, फिर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2, 5 जा 10 5 आ गया, और 5 से डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ये गलत हो गई है ना, तो आप इस प्रकार इन्हें चेक कर सकते हैं, इनका एक चेकिंग वे है, एक चेकिंग मेथड है ना, 1, 5 जा 5 और 5, 3 जा 15 अगर ऐसे आते सही चलाते चले जाओ तो सही है, 1, 5 जा 5, 5, 5, 2 जा 10, 10, 2 जा 20, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जो इनके फैक्टर है उन्हें यहां लिख लेंगे, ये 3 और 5 इसके फैक्टर है, यानी कि 3, 5 से जो 15 है वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 3 × 5 और 20 = 2 × 2 × 5। अब हमने कॉमन के बारे में क्या बात समझाया था आपको, जो सबके पास हो वही कॉमन है, तो इसमें 3 है, 20 के पास 3 नहीं है, इसमें 20 के पास 2 है, 15 के पास 2 नहीं है, 15 के पास 5 है और 20 के पास भी 5 है, दोनों में 5 है, तो इसलिए 5 ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है ना। तो आप आंसर लिख सकते हैं आंसर 5, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया। अब बी वाला क्वेश्चन, बी क्वेश्चन है जी आपका 1525। तो स्टूडेंट 15 तो आपने यहां किया है तारीख और व्यू पर, तो ये तो सेम का सेम ही उतर जाएगा ऐसा ही, है ना। देखो अभी क्या था ना 15, अब 25 और देख लीजिए, 25 के वंश पे 5 है और 5 ओ के आगे है तो ओड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होने का नहीं, पहले हम 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे फिर 4 से करेंगे फिर 5 से, अगर नहीं होता तब नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई 25 तो 5 के टेबल में आ गए चलो इसे पहले ही 5 से डिवाइड कर रहे है ना। तो पहले हमें देख लेना है क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या 3 से हो जाएगा, जिससे हो जाए उसी से ही करना हो सबसे पहले, सब में छोटी वाले टेबल से। तो स्टूडेंट 5 से नहीं होने का, 5 25 2 से नहीं होने का क्योंकि ओड नंबर है,
थ्री के टेबल में 25 आता ही नहीं तो थ्री से भी नहीं होने का, और फोर के टेबल में भी नहीं आता तो इससे भी नहीं होने का, तो फाइव के में आएगा तो फाइव से डिवाइड हो जाएगा, फाइव फाइव जा 25 और फाइव वन जा फाइव, वन फाइव जा फाइव, फाइव फाइव जा 25, वन फाइव जा फाइव और फाइव थ्री जा 15, ठीक है जी। तो लिख लीजिए 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 और 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। अब 15 के पास 3 है लेकिन 25 के पास 3 नहीं है, अब 15 के पास 5 है और 25 के पास भी 5 है, लेकिन एक 5 है इसके पास, 15 के पास दूसरा 5 नहीं है, तो एक ही नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक है जी। तो इसका भी आंसर 5 आ गया। अब सी वाला, एटीन और थर्टी। अब 18 के फैक्टर निकाल लो, 18 के वंस पे 8 है और 8 ई के आगे आया तो इवन नंबर है, हमने बताया था किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो जस्ट हाफ होता है, 18 है तो 9 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप बराबर में डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, ऐसे 18 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18। कभी आप ये सोचते रहो भाई 9 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया, जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आने का, ओड नंबर है, 3 के में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है जी। अब 30 को, 30 भी नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 आपने यहां किया था वही सेम का सेम आ जाएगा, ये आ गए। अब 18 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 30 के क्या आ गए जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब देखिए 18 में 2 है और 30 में भी 2 है, ठीक है जी, 18 में भी 3 है और 30 में भी 3 है, लेकिन दूसरा 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन फैक्टर हुए भाई हमारे, क्या क्या हो गए, आंसर आ जाएगा 2 एंड 3, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गए जी 2 एंड 3। अगर इसमें एक 5 और होता तो 5 भी आ जाता, अगर ऊपर एक 3 और होता, नीचे भी एक 3 और होता तो वो भी आ जाता, है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आप डी क्वेश्चन 14 एंड 38। फोर्टीन को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 प्राइम नंबर है, 38 इवन नंबर है, 19 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 1 जा 19, तो 14 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 7, और 18 के क्या आ गए, वो 38 का क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 19, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना, इसमें 7 नहीं है इसमें 19 नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब है जी ई, ट्वेंटी फाइव और 30। तो स्टूडेंट 25 आपने ये किया था, यहां देख लीजिए ये हो रहा, तो 25 का यहीं से देख लेंगे, 25 का 5 और 5। अब 30 आपने ये कर रखा है यहीं पे, तो 30 का यहीं से देख के कर लेंगे,
अब लिख दीजिए। अब 25 के फैक्टर क्या हो गए, 5 × 5, और 30 के क्या हो गए जी, 2 × 3 × 5। ठीक है, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है जी, 5। पूरा भी आंसर लिख सकते हैं आप स्टूडेंट ऐसे, 5 इज ए कॉमन, COMON कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर, अगर एक बार दौर होता तो फैक्टर्स लिख देते। ठीक है, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, इन सब का भी आप ऐसे लिख सकते हैं पूरे आंसर। अब AGF 28 और 24, देखिए 28 के वंश पर क्या है, 8 है, अगर हम देखें तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब संख्या अपने आप क्या आधी हो जाती है, 28 है तो 14 हो जाएगी, है ना, और 14 फिर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 7 आ जाएगा, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही होगा। अब 24 एक इवन नंबर है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 भी एक इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 28 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7, और जी 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3, तो इसमें 8 है 28 में, 24 में भी, 28 में 2 है और 24 में भी 2 है, और सेकंड नंबर भी 2 है दोनों में, है ना। अब जो 24 में एक 2 हो रहा है लेकिन 28 में नहीं है, 24 में 3 है 28 में नहीं है, 28 में 7 है लेकिन 24 में नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, तो लिख दीजिए आंसर 2, एक बार डिजिट चेक कर लें, 28 24 1 7 7 7 2 14 14 2 28, 1 3 3 3 2 6 6 2 12 12 2 24, ठीक आ गया जी, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 इज कॉमन, COMON कॉमन फैक्टर, ACTORS फैक्टर्स। तो स्टूडेंट वैसे अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 4 भी आ सकता है, और 4 से 28 भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 भी, दोनों 4 के टेबल में भी आते हैं। इसी प्रकार अगर आप इस वाले को क्वेश्चन को देखें, 2 एंड 3 है, तो 2 के और 3 के मल्टीप्लाई करें तो इसका 6 आंसर भी आ सकता है ना, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब जी, ये तो नहीं इसको भैया, जी वाला क्वेश्चन 30 और 32, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 आ जाएगा, ओड नंबर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 प्राइम नंबर है, 1 आ गया, 32 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आ जाएगा,
फिर टू से डिवाइड होके टू आ जाएगा और टू से डिवाइड होके वन आ जाएगा, ठीक है जी। तो 30 के जो फैक्टर है 2 × 3 × 5 और 32 के फैक्टर है 2 × 2 × 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो देख लीजिए कॉमन क्या है, 2 30 में भी है 32 में भी है। अब स्टूडेंट इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 भी नहीं है, तो इसका 2 ही आंसर है, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं 2 इज द कॉमन फैक्टर, एफ ए सी टी ओ आर फैक्टर, ठीक है जी। अब है जी वाला 56 और 20, तो 56 के फैक्टर निकाल लीजिए। 56 एक इवन नंबर है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है ना, और प्राइम नंबर क्या होता है, और इनकी डिजिबिलिटी क्या होती है, ये भी याद करनी है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ गया, डिजिबिलिटी इसमें बाद में दे रखी, तो हम उसे बाद में ही सिखाएंगे, है ना। तो 56 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया 28 आ गया, और 28 को 2 से डिवाइड कर दिया 14 आ गया, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया 7 आ गया। 7 प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब 20 को 2 से डिवाइड करा 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड करा 1 आ गया, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अब 56 के फैक्टर क्या हो गए जी, 2 × 2 × 2 × 7 और 20 के 2 × 2 × 5, तो जी 56 में भी 2 है 20 में भी 2 है, 56 में भी 2 है 20 में भी 2 है। अब 20 में 5 है लेकिन 56 में नहीं है, ऊपर 56 में भी 2 है नीचे नहीं है, ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है जी। 2 × 2, अब 2 × 2 = 4, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें इज द कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर, FACTORS फैक्टर्स। अब 2 × 2 = 4, तो स्टूडेंट इसका 4 भी फैक्टर हो जाएगा जो कॉमन है, ठीक है जी। 4 से भी 20 और 56 दोनों डिवाइड होते हैं, है ना, ये इसका आंसर है। तो जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 चेक, CHECK चेक बाय द, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा स्टॉप भी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक बाय द डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड के द्वारा बताइए, डिवाइड के तरीके से देखिए कि 8 इज ए फैक्टर ऑफ 1296, क्या 8 से 1296 डिवाइड है, क्या इसका फैक्टर है। अगर ये इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली तो फैक्टर है, अदरवाइज है नहीं, तो आप डिवाइड कर लीजिए 1296 / 8, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 12 से अधिक हो जाएंगे और 12 में से 8 गए माइनस हो गए 4, ठीक है जी। ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 9, 8 6 जा 48, 9 में से 8 माइनस कर दिया 1,
फोर से फोर गए जीरो, वन बच गया। अब आपने ब्रिंग डाउन कर लिया सिक्स, एट टू जा सिक्सटीन। तो देखिए स्टूडेंट पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो आप इसका आंसर लिखते हैं यस यस हाँ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फोर, सर्किल द फैक्टर ऑफ 24 फ्रॉम द फ्लोइंग नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनमें से जो भी 24 का फैक्टर है ना, उसे आपको उस नंबर पे आपको सर्किल करना है जो 24 का फैक्टर है। और 24 के फैक्टर कौन से होंगे भाई, तो 24 के फैक्टर में होंगे जिनसे 24 डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर उसके टेबल में 24 होता है तो वो अपना आप ही डिवाइड है। तो वन तो सबका फैक्टर होता है जी, 24 एक इवन नंबर है, जितने भी इवन नंबर होंगे मैं टू से डिवाइड होंगे। ठीक है जी, 3 8 24, 3 के टेबल में 8 बार अगर हम डिवाइड करें तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 4 6 24, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 24 के टेबल में ओ 5 के टेबल में 24 आता नहीं, 5 5 25 होंगे ना, और तो इसलिए हम 5 को नहीं लगा लेंगे। ठीक है जी, तो 5 छोड़ देंगे, इसका फैक्टर नहीं है, 6 से हो जाएगा, 6 4 जा 24। 7 के टेबल में 21 आता है, 24 नहीं आता। 8 के टेबल में 3 जा 24 आता है। 9 के टेबल में 24 नहीं आता। 10 के टेबल में भी 24 नहीं आता। 11 के टेबल में भी नहीं आता। और स्टूडेंट 12 के टेबल में आता है, 12 2 जा 24, और 24 1 जा 24। ठीक है जी, तो 5 7 9 10 11 ये नंबर ऐसे हैं जिनके टेबल में 24 नहीं आता, यानी कि जो इसके फैक्टर नहीं है, इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इनसे डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर हो। स्टूडेंट अभी जब हमने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे थे फैक्टर की, तभी हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी, जो भी नंबर होता है जिसके हमें फैक्टर निकालने होते हैं, जो भी हमें संख्या दी हुई होती है, तो स्टूडेंट वही संख्या सबसे बड़ा फैक्टर है ना, बताया था ना हमने आपको। और सब में छोटा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, बताया था ये भी आपको। तो इसमें इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर हो, यानी कि जो इस क्या इनके सबके लिखने हैं। तो स्टूडेंट सब में छोटा कौन होगा सबका, 1 1 1 1 1, और सबसे बड़ा क्या होगा, 13 16 25 24 39, है ना। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन अपना आप ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इनके आगे ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 72, क्या 9 72 का फैक्टर है। तो ये पूछ रहा है क्या 9 से 72 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप 9 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, क्या इसमें 72 आता है, तो आपको पता चलेगा 9 8 72। या आप ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 72 9 8 72, तो पूरा डिवाइड हो रहा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो आप लिख सकते हैं यहाँ ट्रू, है ना। इज 15 इज द फैक्टर ऑफ द 150, क्या 15 150 का फैक्टर है। तो आप देख सकते हैं 15 10 150 हो तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी,
एट इज ए फैक्टर ऑफ द 82। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एट एट जै एट्टी एट एट जै एट नाइन जै एट्टी 72 होते हैं, है ना। देख लीजिए, कर लीजिए, एट नाइन जै 72, तो जीरो और वन, टेन रिमाइंडर रहेगा। क्या कर रहा है, एट वन जै एटी चला है ना, है ना, एट वन जै एट जीरो, ब्रिंग डाउन कर लिया टू, चलती नहीं लगा दी जीरो, है ना, तो टू रिमाइंडर रहेगा, तो इसका आ जाएगा फोल्स। ठीक है जी, तो ये फोल्स हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग। जो भी नीचे डिजिट दी गई हैं इनके आपको ऑल फैक्टर निकालने हैं। क्या करना है जी, ऑल फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर का क्या मतलब होता है, ऑल फैक्टर का मतलब होता है 27 ऐसे कितने नंबर है जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, और ये लिमिटेड होते हैं जो फैक्टर होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इसकी। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप 27 लिख देंगे। ठीक है, और दो फैक्टर आप सभी जानते हैं क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है और यह संख्या खुद अपने आप की फैक्टर होती है। तो ठीक है, तो आप यहां वन लिख लीजिए, तो आपने यहां वन लिख लिया, तो वन तो इसका फैक्टर है। अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें इसके और फैक्टर निकालने हैं। तो हम पहले वन को देखेंगे, फिर टू को देखेंगे, फिर थ्री को, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यानी कि 27 तक सारे टेबल से इसे देखेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा, जिससे डिवाइड हो रहा वो लिख देंगे फैक्टर में और जिससे नहीं हो रहा उसे छोड़ देंगे। और इससे इस तरीके से हमें बहुत ही वक्त लगने वाला है ना, क्योंकि हम अगर कोई बड़ी डिजिट है, यानी कि मान लीजिए 500 है, तो हम उसे 500 तक देखेंगे ना कि वो कौन सी डिजिट से डिवाइड हो रहा 500 तक, है ना। तो स्टूडेंट ऐसा ना करके हमारे पास एक सेकंड मेथड है इसे निकालने के लिए, क्या है, हम इन्हें इसे डिवाइड करेंगे, इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे टू से। अगर ये होती है, अगर ये भी नंबर है, तो हम इसे टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, टू से ये होती नहीं, थ्री से हो जाएगी, थ्री थ्री जा 39 जा 27। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, इधर जिससे डिवाइड करा उस डिजिट को तो आप यहाँ लिखेंगे, और जिससे देखो एक तो 27 होता है और उससे पहले क्या आगा 9 आगा, और 9 को आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है जी, अब आप इसे 27 को 4 से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 4 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ये 4 से होने का नहीं, छोड़ दीजिए 4 को। अब 5 के टेबल पढ़ के देख लीजिए, 5 के टेबल में भी 27 नहीं आता, तो इसे भी छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट आप 6 से 6 को देख लीजिए, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, तो 9 के में आता है, और 9 हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम इन्हें यहाँ से देख के यहाँ लिख लेंगे 9 और 27। ठीक है जी, तो ये इसके आंसर है, ये इसके ऑल फैक्टर हो गए 1 3 9 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए बी 42 के आपको ऑल फैक्टर लिखने हैं। तो वन तो सबका होगा, है ना, अब आप इसे 42 को डिवाइड कर लेंगे, ये इवन नंबर है तो टू से डिवाइड हो जाएगा, टू टू जा फोर, ब्रिंग डाउन कर लिया टू, टू वन जा टू। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे 42 इसका लास्ट फैक्टर है, और जो भी आंसर आएगा टू से डिवाइड करके है वो उसका सेकंड फैक्टर, लास्ट से पहला फैक्टर होता है। ठीक है जी, तो हमने ये लिख दिया। अब हम 42 को देखते हैं
क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है 42। अगर हम 4 और 2 को ऐड कर दें तो कितना आ गया 6, और 6 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड है। अगर कोई भी डिजिट ऐड करने के बाद उसका सम 3 के टेबल में आ जाए तो वह 3 से डिवाइड होता है, 3 की डिजिबिलिटी है भाई, है ना। तो आप इसे 3 से कर लेंगे, 3 बन जा 3, बच गया 1, और 3 4 जा 12। तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो आंसर होता है उसे हम इधर लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है जी। अब 42 को हम 4 से देखते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4 तो 2 रिमाइंडर रह जाएगा, होता नहीं। क्या ये 5 से हो जाएगा, 5 से मेन डिजिट डिवाइड होती है जिनके वंश में 0 हो या 5 हो, ठीक है जी। क्या ये 6 से हो जाएगा, अगर अब स्टूडेंट यहाँ 2 तो रह गया था हमारा, 2 और जी 3, अगर ये 2 और 3 से डिवाइड होगा तो ये 6 से भी हो जाएगा, 6 7 जा 42। तो हम यहाँ 6 लिख, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे और यहाँ 7 लिख देंगे। तो स्टूडेंट 6 से आगे 7 आता है, 7 यहाँ पहले से ही आ गया, तो हम ये आंसर यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे, 7 14 21 और 42, यही इसके ओल फैक्टर है, ठीक है जी। अब इसका बी, बी क्या है जी, 54 54 के निकालिए, 54 का 1 तो सबका होता है ना। अब हम 54 को डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जी कर दो 2 2 जा 4, कैरी रिमाइंडर 1 उतार लिया 14, 2 7 जा 14। तो लास्ट का फैक्टर क्या है इसका, 54 है, और लास्ट से पहले क्या आ गया, 27 आ गया, ठीक है जी। अब 2 से डिवाइड हुआ तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे क्या 54 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 54 को 5 और 4 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 9, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है तो 54 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, बच गए 2, उतार लिया 4, और 3 एट जा 24। तो हम 3 से हो गया तो 3 को तो हम यहाँ पे लिखेंगे और 18 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब हम इसे कैसे करेंगे, अभी हम इसे 4 से करेंगे, 4 बन जा 4, बच गया 1, और 14 हो गया, 4 के टेबल में 14 आता नहीं तो इसलिए 4 से नहीं होगा। क्या ये 5 से हो जाएगा, 5 से भी नहीं होने का क्योंकि इसके वंश पे 0 है, 5 नहीं है। क्या ये 6 से हो जाएगा, 2 और 3 से हो गया तो ये 6 से भी हो जाएगा, 6 9 जा 54, तो 6 से हो गया तो हम यहाँ पे 6 को लिख देंगे और यहाँ पे हम 9 को लिख देंगे। तो फिर 7 से देखते हैं, 7 के टेबल में 54 आता नहीं, और 8 के टेबल में भी 54 नहीं आता, 9 के में आता है, 9 यहाँ पहले से ही आ गया। तो यहीं पे सवाल हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोनों मिलके, तो दोबारा तो नहीं करनेंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे 9 18 27 और जी 54, यही आपका आंसर है, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, डी, डी है जी आपका 16, तो 16 के निकालेंगे जी, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाएगा, 3 के टेबल में आता नहीं, 4 से हो जाएगा, 5 के टेबल में आता नहीं, 6 के में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, 8 के आता है, 8 2 जा 16। और जब आधे में चला जाए, देखो 16 आधे में आ गया ना, आधे के बाद सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, 16 से और किसी से भी नहीं होगा, याद रखें। मैं पूरा ध्यान लगा रही हूँ ना।
होगा। अब है भाई ई वाला अंकल, ये कलर ऐसे ई का मतलब है 81। 81 को देखना है, हैं? 81 को 1 से कर दिया, 1 तो सबका ही होता है, अब 2 से नहीं होनेगा 81, 3 से हो जाएगा, 8 और 1 9 हो और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, बच गए 2, उतार लिया 1 और 3 7 जा 21, तो कितनी बार हो गया भाई 27 बार हो गया और 81 इसका पहले था। अब हम देखते हैं क्या 81 4 से डिवाइड है, तो 4 टू जाइट तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 से होने का नहीं क्योंकि 05 नहीं है वंश पर, 6 से होने का नहीं क्योंकि 2 से भी नहीं, 2 से नहीं हुआ, 3 से हुआ था है ना, 2 से नहीं हुआ तो 6 तभी नहीं होने का, 7 से भी नहीं होने का क्योंकि 7 बन जाए 7 1 11 बच गया, 11 7 के टेबल में आता नहीं, 8 से भी नहीं होने का 8 बन जाए तो ये 9 से होगा, 9 9 जा 81, तो 2 9 तो लिख सकते हैं, एक ही 9 लिखना होगा, 9 27 और जी 81, ये इसका आंसर आ गया। अब है जी एफ, एफ क्या है 55, तो जी एफ 55 है, 1 से तो 1 तो सबका ही होता है, अब 2 से डिवाइड नहीं होने का ये क्योंकि ओड नंबर है, 5 5 10 हो 3 के टेबल में नहीं आते, 3 से भी नहीं होने का है जी, 15 14 4 के टेबल में नहीं आता, इससे भी नहीं होने का तो ये 5 से हो जाएगा क्योंकि जिसके वंश पर 5 हो या 0 हो 5 से हो जाता है, तो भाई 11 आ गए और 55 तो यही है, अब यहाँ पे 11 आ गया, 11 अब 5 से 55 कौन से टेबल में आएगा, 6 में 6 से भी नहीं होने का, 7 से भी नहीं होने का, 8 से भी नहीं होने का, 9 से भी नहीं होने का, 10 से भी नहीं होने का है ना, तो ये 11 से ही होगा, 11 5 का 55, तो 11 और 55 यही इसके आंसर हो गए, ओल फैक्टर, ठीक है जी। एफ जी, जी है 63, 1 से हो गया, 2 से नहीं होने का, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21 बार टाइम हो गया भाई, 3 से 4 से नहीं होने का, 5 से भी नहीं होने का, क्या 6 से हो जाएगा, 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होने का, 6 से होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी नहीं होने का, 6 से भी नहीं होने का, 7 से हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो भाई यही आंसर आ गया, ये इसके ओल फैक्टर है। और इसके बाद एच 72, वन से हो जाएगा, इवन नंबर है तो 2 से भी हो जाएगा, तो यहां 72 आ गया, यहां 36 आ गया, 2 से डिवाइड करके 72 को 36 आता है क्योंकि जस्ट हाफ हो जाता है, क्या ये 3 से हो जाएगा, 7 और 2 9 तो 3 से भी हो जाएगा भाई, लो दिखा रहे हम आपको करके, 3 2 जा 6 बच गया 1, उतार लिया 2, 3 4 जा 12, 24 टाइम हो जाएगा, क्या 4 से हो जाएगा,
फोर से करके देख लीजिए, फोर वन जा फोर, बच गया थ्री, ब्रिंग डाउन कर लिया टू, फोर एट जा 32, तो भाई फोर से भी हो गया, फोर से होके 18 आ गया, ठीक है। अब फाइव से होने का नहीं, तो सिक्स से भी हो जाएगा, क्योंकि थ्री और टू से हो गया, तो जो थ्री और टू से हो गया वो सिक्स से भी होता है, सिक्स बन जा सिक्स, बच गया वन, सिक्स टू जा 12, तो यहाँ सिक्स आ गया और यहाँ 12 आ गया, ठीक है जी। अब सेवन से नहीं होने का, एट से हो जाएगा, एट नाइन जा 72, तो यहाँ नाइन आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 18, 24, 36 और 72, तो ये इसके ओल्ड फैक्टर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, नीचे जो पेयर दिए गए हैं, इज द फर्स्ट नंबर, इज द फर्स्ट नंबर ए फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये देखना कि फैक्टर है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, अगर रिमाइंडर बच जाए तो फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर ना बचे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो फैक्टर है। तो देख लीजिए, थ्री वन जा थ्री, थ्री में थ्री गए जीरो, ब्रिंग डाउन कर लिया टू, चलती नहीं लगा दी जीरो, तो क्या बचा, रिमाइंडर टू बचेगा, तो नो फैक्टर नहीं है। अब भी फाइव फोर फोर जीरो 440, ठीक है जी, कर लीजिए, फोर फोर जीरो फाइव से, फाइव एट जा 40, फोर रिमाइंडर है, अगेन उतार ली जीरो, फाइव एट जा 40, तो देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो आंसर आ गया यस। अब सी वाला 13 16 वन जा 13, थ्री उतार लिया 9, थ्री थ्री जा 39, तो आंसर आ गया यस, फैक्टर है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना भाई, इसलिए फैक्टर है। अब है डी, 8 2 7 8 278, 8 3 जा 24 3 8 4 जा 32, 6 बच गए, आंसर नो फैक्टर नहीं है। अब ई वाला 8 1 8 8, 8 2 जा 16, बच गए 2, ब्रिंग डाउन कर लिया 8 8 3 जा 24, बच गए 4, तो आंसर आ गया नो एफ, 16 240, तो जी 2 4 0 16, 2 जा चलने की नहीं, 1 जा चल जाएगी, तो यहाँ कितना हो गया 14, 8 बच गए और यहाँ 0 बच गई, उतार ली 0, 16 5 जा 80, तो आंसर आ गया जी यस।
ठीक है। अब जी 1986 तो जी कितनी बार चल जाएगी, 9 जो चल जाएगी, 100 सेम, बच गए 5, बच गया 1, है ना, यहाँ 0, तो आंसर नो, जी होगा अब एच 12 396, 12 3 36, बच गए 3, उतार लिया 6, 12 3 36, आंसर आ गया यस। देखिए जिसमें रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, उसके आंसर यस है, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है। जैसे इसमें रिमाइंडर बच गया तो नो, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर नहीं है, उसे पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे डिवाइड के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को बढ़िया आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.10.2 वो कंप्लीट हो चुकी है ना। तो अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है किसी क्वेश्चन में, या आप दोबारा समझना चाहते हैं उसको, उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।